हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज की वीडियो की शुरुआत इन फूलों से करते हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे पर्सनल खिले हैं मेरे में। देखिए इसमें दो शेड हैं, वाइट और येलो। और देखिए इधर भी खिले, ये देखिए ऑरेंज कलर, इधर येलो कलर खिला है, ये लाइट येलो है। वीडियो की शुरुआत फूलों से करते हैं। देखिए विन का कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं विनका पे। आज की वीडियो इस पत्थर चट्टे के ऊपर है, इसको एक पत्ती से अनेक पौधे कैसे बनाएं। देखिए मैं भी एक पत्ती ही लाई थी और देखिए कितने सारे पौधे हो गए हैं मेरे पास। देखिए एक पत्ती से कितने सारे पौधे हो गए, देखो फिर से टूट गई। ये बहुत जल्दी टूट जाती हैं और इनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही पत्ती में डाल, गमले के उसमें मिट्टी में टच कर देना है बस। देखिए अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ मैं। देखिए एक पत्ती से कितने वो हैं, ये थोड़ी सी हवा चलती है झट से टूट जाते हैं ये पत्ते, थोड़े ऐसे ना सेकुलर टाइप के। देखिए मैं भी एक ही पत्ती लाई थी, एक से देखो कितने पौधे हो गए मेरे पास। और देखो अभी निकाल के दिखाती हूँ, देखो ये एक पत्ती है, देखो देखिए देखिए इसमें कितने सारे निकल रहे हैं। देख एक दो तीन अभी तो निकलेंगे, यानी कि देखिए ये भी पत्ती जरा सी टच हो रही है, इसमें भी निकलने लग गए। इसको वापस से ऐसे ही डाल दूंगी, फिर ये भी हो जाएंगे। देखिए ये पत्ती थोड़ी सी टच हो रही है, इसमें से ये निकल रहा है। इसकी जैसे ये एक पत्ती है ना, देखो देखिए मैंने इसमें भी डाल दिया है ये पत्ती, देखो इसमें से भी निकला है। ये इस वाली पत्ती का है, देखो ये भी पत्ती का, देख टूट गया यहाँ से। इसको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही डाल देना है, इसको ऐसे सेट सा कर देना है ताकि मिट्टी से हिले नहीं, इसकी रूट बने तो ये बार बार वो ना हो पाए। इतना सा ही करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। और फिर आपके पास इतने पत्थर चट्टा के प्लांट हो जाएंगे ढेर सारे, मेरे पास भी एक ही पत्ती से हुए हैं। और इसका इलाज वो पत्थरी का जो पत्थरी बन जाती है स्टोन, उसमें कहते हैं इसको, इसका काढ़ा सा बना के पी लो। इसके बहुत सारे वो हैं फ़ायदे, ज़्यादा फ़ायदे देखने हैं तो नेट पे सर्च कर लेना, आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे इसके। देखिए इधर भी निकला है, देखो ये निकला, ये एक पत्ती से, देखिए इधर भी। तो आप भी बनाइए एक पत्ती से अनेक प्लांट, ऐसे बहुत से प्लांट हैं, आप भी बनाइए एक पत्ती से अनेक प्लांट। और इसमें फूल तो मेरे को, मैंने देखा तो है, पता नहीं, ये नहीं पता मेरे को कितने दिन बाद खिलेगा। हाँ इतना ज़रूर पता है कि हाँ इसमें एक फूल खिलेगा, जैसे उसमें खिलता है ना कलेंचो पे फूल खिलता है, इस टाइप का इस पर फूल खिलता है। फूल ना ही खिले तो ये हमारे घर में होना चाहिए मेडिसिनल हिसाब से, ये बहुत अच्छा पौधा है, लकी भी माना जाता है इसे। देखिए बा देखिए एक पत्ती का कमाल है ये। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।